हेलो एवरीवन लेट मी वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर यूट्यूब चैनल इन विच आई ट्राई टू कवर सम इंट्रोडक्शन अबाउट अ सब्जेक्ट कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल इफ़ यू आर फ्रॉम अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कोर कंपनी देन प्रोसेस कंट्रोल इज समथिंग जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा ठीक है सो लेट एस सी विच टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर इन दिसक्चर आई ट्राई टू कवर वट इज अ प्रोसेस वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस वट इज प्रोसेस कंट्रोल

पहले से ज्यादा डिजायर्ड और यूजफुल स्टेट में हमको मिले फॉर एग्जाम्पल लेट से अ मटेरियल इट कैन बी अ सॉलिड और फ्लुइड ठीक है उसका नाम ए है सो द ए स्टेट ऑफ मटेरियल वेन वी अंडर गो वैन दैट मटेरियल अंडर गो अ प्रोसेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू बी स्टेट ऑफ मटेरियल देन द बी स्टेट इज मोर डिजायर्ड एंड मोर यूजफुल एज कंपेयर टू द ए स्टेट सो बेसिकली एक प्रोसेस थ्रू एक सॉलिड या फ्लूड मटेरियल को अंडरगो कराने की इंटेंशन वही होता है कि जो प्रोडक्ट मिले दैट शुड बी इन अ डिजायर्ड या यूजफुल स्टेट ठीक है ऑल्टरनेटिवली प्रोसेस इज एन एनवायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज मेजर्ड मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड लाइक प्रोसेस एक एनवायरमेंट होता है जहां पे हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर मॉनिटर या कंट्रोल करते हैं वेरिएबल क्या चीज है ये लेक्चर के अंत में पता चलेगा ठीक है प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या होता है एक लिक्विड लेवल सिस्टम या एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हम दूसरे लेक्चर में यह देखेंगे कि एक लिक्विड लेवल सिस्टम सिस्टम या कंट्रोल क्या होता है और उसमें अलग अलग वेरिएबल्स को निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस प्रोसेस तो ठीक है मतलब एक स्टेट ऑफ मटेरियल से दूसरे स्टेट ऑफ मटेरियल में हम कन्वर्ट कर देंगे लेकिन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ मैन एंड मशीनरी we have to be aware about the environmental regulations as well ताकि ज़्यादा pollution वगैरह ना हो ठीक है environment को उस process की वजह से ज़्यादा harm ना पहुँचे we have to know about the production specifications the operational constructions as well as the economics ताकि वो process ज़्यादा costly ना हो ठीक है अभी हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि process control क्या चीज़ होता है सो प्रोसेस कंट्रोल इज बेसिकली रेगुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इन सच अ वे सो एज टू ऑप्टेन अ प्रोडक्ट ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन एन एफिशियंट मैनर मतलब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिस, जिसको हम रेगुलेट या मैनुपुलेट इस तरीके में करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट हमको मिले दैट शुड बी ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी एंड डिजायर्ड क्वांटिटी प्रोसेस कंट्रोल

तीन टाइप का होता है कंट्रोल वेरिएबल मेनुपलेटेड वेरिएबल एंड लोड वेरिएबल जनरली कंट्रोल वेरिएबल एक होता है वेरिएबल एक एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है लोड वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ठीक है कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है द वेरिएबल वेरिएच यू वॉन्ट टू मेजर मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्जेक्टली एट द सेट पॉइंट हमारे पास लाइक इन अ क्लोज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एक सेट पॉइंट होता है ठीक है उस सेट पॉइंट पे हम अपने आउटपुट को कंट्रोल मॉनिटर या मेजर करना चाहते हैं हमारा यह कोशिश रहता है प्रोसेस में कि हमारा प्रोसेस जो आउटपुट दे वो सेट पॉइंट एग्जैक्टली मैच करना चाहिए सो कंट्रोल वेरिएबल इज समथिंग वच यू वॉन्ट टू मेजर मॉनिटर इंड कंट्रोल एट द सेट पॉइंट मेनुपुलेटेड वेरिएबल क्या होता है मेनुपुलेटेड वेरिएबल इज बेसिकली अ हेल्पिंग वेरिएबल द वेरिएबल इज वेरिएबलुपुलेटेड टू मेक द कंट्रोल वेरिएबल रिमेन एट द सेट पॉइंट वैल्यू कंट्रोल वेरिएबल को सेट पॉइंट पे रहने के लिए जो वेरिएबल हेल्प करता है या जो वेरिएबल को हम मेनुपुलेट करते हैं वो होता है मेनुपुलेट वेरिएबल लोड वेरिएबल वेरिएबल क्या चीज होता है लोड इज द सेट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स दैट वेरिएबल टू डिविएट फ्रॉम द सेट पॉइंट वैल्यू लोड वेरिएबल एक तरीके की डिस्टर्बेंस वेरिएबल होता है जिसके जिसके वजह से कंट्रोल वेरिएबल सेट पॉइंट से डिविएट करता है सो मेनुपुलेटेड वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हेल्प करता है कंट्रोल वेरिएबल को सेट पॉइंट पे रखने के लिए लोड वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो सेट पॉइंट से डिविएट कराता है कंट्रोल वेरिएबल को सो मैन्युपुलेटेड वेरिएबल हेल्प करता है लेकिन लोड वेरिएबल डिस्टर्ब करता है ओके okay? सो so, आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लिक्विड लेवल सिस्टम कंसिडर करेंगे देन एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम कंसिडर करेंगे उसमें कंट्रोल वेरिएबल मेन्युपुलेटेड वेरिएबल और लोड वेरिएबल्स निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है And then i will discuss the block diagram of automatic control uh, automatic uh, process control and then uh, we will discuss about the elements of that particular block diagram okay thank you thank you for watching this lecture please do like share our share our channel and subscribe to it okay thanks a lot bye